भारत की सबसे बड़ी और खास बात देश की गंगा जमुनी तहजीब है। देश की एकता, अखंडता, प्रेम और भाईचारे को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नागपुर शहर में टी राजा सिंह विधायक की सभा होने वाली है, जिससे नागपुर की कानून व्यवस्था को ठेस पहुंच सकती है, जिसे लेकर आज नागपुर सिटी मुस्लिम लीग ने नागपुर पुलिस आयुक्त को निवेदन देकर सभा को परमिशन न देने की अपील की है। नागपुर शहर मुस्लिम लीग ने इस निवेदन द्वारा पुलिस आयुक्त से गुजारिश की है कि शहर में टी राजा सिंह विधायक की सभा होने वाली है, जिसे सभा के लिए अनुमति ना दी जाए। निवेदनकर्ताओं ने कहा है कि विधायक टी राजा अल्पसंख्यक के समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिस वजह से नागपुर में कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। इसे टालने के लिए इस सभा को परमिशन न देने की बात की जा रही है। बात अपने भारत देश से शुरू करता हूँ कि चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, हिजाजियों से जिसने दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये हमारा भारत देश है, इसमें सब समाज और कौम के लोग रहते और बसते हैं। सब ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर अनेक समाज के लोग बरसों से मिलजुल कर भाईचारे के साथ, कौमी एकता के साथ रहते और बसते हैं, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी मिसाल है सारे संसार के लिए। ये देश जो है हमारा, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के पेश किया जाता है, और पूरी दुनिया जो है भारत को आदर की नज़रों से इसलिए देखती है कि यहाँ पर सब समाज के लोग बड़े प्रेम, भाईचारे और एकता के साथ रहते और बसते हैं। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से देश के अंदर कुछ फिरका परस्त शक्तियाँ, कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियाँ, कुछ जातिवाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ, कुछ धर्म के नाम पर लोगों को, हम भारतवासियों को आपस में बांटने वाली शक्तियाँ जो है देश के अंदर जहर फैलाने का काम कर रही है, और कुछ वक्ता मुख्य रूप से पूरे भारत में फिर फिर कर किसी समाज के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ विशेष रूप से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण में एक नाम जो है हमारे विधायक जो है टी राजा सिंह साहब का भी आता है। हमने उनके सोशल मीडिया पर जितने वीडियोस देखे और उनके भाषण सुने हैं, पता नहीं उनको मुस्लिम समाज से क्या एलर्जी है। भारतीय मुसलमान इस देश की आन बान शान है, ये लगभग 20 करोड़ लोग हैं, संसार के बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये, और पूरा संसार के अंदर 4 करोड़ इस्लाम के मानने वाले हैं। तो समझ में नहीं आता कि जिन मुसलमानों ने देश के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानियां पेश की है, आज दिल्ली गेट पर आप जाकर देखें और वहां पर जो बोर्ड देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा जंगे आज़ादी में शहीद होने वालों की जो तादाद है, संख्या है, वो मुसलमानों की वहाँ बोर्ड पर आज भी लगी हुई है। उसके बावजूद इस कार्यक्रम की वजह से नागपुर की शांति भंग होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जनता की सुरक्षा और शांति को ठेस ना पहुंचे, ऐसा ही निर्णय प्रशासन ने लेना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।